म्यूनिक मेन में तो ऐसा नहीं किया कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ लेकिन फाइजिंग में मुझे एक वादा जब मेरा वीज़ा का इशू था पाकिस्तानी एक और लड़का है उसको वो इंग्लिश में रिप्लाई कर रही है इंग्लिश में बात कर रही है लेकिन मुझे उसने डायरेक्टली बोल दिया नो जर्मन ऑब्वियसली है मतलब आप एक जगह पे जा रहे हो और वहाँ की लैंग्वेज है और फिर आपको अगर अच्छी जॉब ढूंढनी है तो वो प्लस होता है ऑब्वियसली कि आपको लैंग्वेज आती है टुम का तो बहुत अच्छा सीन है ये तो इंग्लिश में हर चीज़ दे देते हैं एट दी एंड यही है कि जब तक आप मास्टर्स कर रहे हो एट द सेम टाइम साथ, -साथ जर्मन सीखते रहो ताकि जब ग्रेजुएट हो जो एटलीस्ट बी वन लेवल हो कि आप किसी मुंह से ना जाके उन्हें जर्मन कंपनी में इंटरव्यू दे सको कि यार इंट्रोडक्शन करवा लो या कुछ करवा लो तो वो बड़ा फ़ायदा हो जाता है असलम वेलकम टू एनदर एमआर पॉडकास्ट आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने लगे हैं काफ़ी लोगों की का बड़ी रिजर्वेशन होती हैं नहीं रिज़र्वेश होती हैं <laughs> <laughs> हो जर्मन जर्मन पढ़ पढ़ के ना ये हाल हो गया इंग्लिश का मिक्स हो गया अच्छा काफ़ी लोगों को काफ़ी रिजर्वेशन होती हैं कि हम जर्मनी तो आ जाएँ बट हमें जर्मन आती नहीं है तो कैन वी सर्वाइव इन जर्मनी विद आउट एनी जर्मन लैंग्वेज वो छः मिनट भी हो गए जो सीन है हम पूछना चाह रहे हैं तयबा यहाँ पर रह रही हैं टी यू एम के स्टूडेंट हैं ये uh, यहाँ पे मास्टर्स कर रही हैं इंग्लिश में कर रही हैं सारा कोर्स इंग्लिश में है जर्मन का सिर्फ इन्होंने ए वन किया था अभी हाँ हम हाँ, पाकिस्तान से ए वन किया हुआ है और यहाँ पे आके ये इंग्लिश uh, में ही सारा चीज़ें मैनेज वगैरह कर रही हैं तो लोग कुछ जानना चाहेंगे कि क्या आपको अगर जर्मन नहीं भी आती है बहुत बेसिक लेवल आता है तो इज़ इट पॉसिबल फॉर यू टू सर्वाइव इन म्यूनिक या इन जर्मनी ओवरऑल इन जर्मनी की बात नहीं करेंगे अभी हम स्पेसिफिकली म्यूनिक की बात करेंगे क्योंकि म्यूनिक इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरनेशनल सिटी ठीक है तो यहाँ पे मेरे लिहाज से तो मसले नहीं आने चाहिए बट क्या आपने फेस किए कोई लैंग्वेज के इशूज़ म्यूनिक में मतलब मैं अभी फ्राइजिंग में हूँ ना तो म्यूनिक मेन में तो ऐसा कुछ नहीं किया कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ लेकिन फ्राइजिंग, फ्राइजिंग में मुझे एक वादा जब मेरा वीजा का इशू था जो म्यूनिख का ही पार्ट है थोड़ा से आपको लगता है बीस पच्चीस तो फाइजिंग आउस लैंडर जो है ना वहाँ पे मुझे मुझे इशू आया था वो जो बंदी थी जो मेरा वीज़ा वो जो भी कर रही थी उसको उससे मैंने पूछा था कि बोल दिया कि नो अच्छा वो पता नहीं क्या कोई सियासत कर रही थी मेरे साथ वो मुझे पता चला कि पाकिस्तानी एक और लड़का है उसको वो इंग्लिश में रिप्लाई कर रही है इंग्लिश में बात कर रही है लेकिन मुझे उसने डायरेक्टली बोल दिया नो एंड मैं आगे से जवाब क्या करती बोलती क्या हाँ आगे से मेरे <laughs> कुछ नहीं बोला <बारा> <laughs> नहीं कुछ नहीं बोला फिर मुझे एक दोस्त मिली दूसरी वो निदा पाकिस्तानी उसकी जर्मन अच्छी है तो फिर उसने मेरी हेल्प की थी कॉल करने में मतलब नॉर्मली ये होता है कि इन्हें आती होती है लेकिन ये कंफर्टेबल नहीं होते इंग्लिश बोलने में ना लेकिन ओवरऑल जो

नहीं उसमें क्योंकि मेरा कोर्स इंग्लिश में आया तो इसलिए इतना कोई उसमें डिफिकल्ट नहीं हुई मुझे तो कुछ भी इंग्लिश में ही बात करते हैं सारे अभी तक तो ठीक तो. है आ, जब हाउस वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे थे आप शुरू में तो अक्सर होता है वेबसाइट जर्मन में से फिल आउट हो जाती हो तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ जर्मन में ही कर रही होती हैं तो वो बड़ा um, लगता है कि कि यार क्या पता कि जर्मन कोई बड़ा ह्यूज फैक्टर है जो जर्मन ऑबियसली है, है मतलब आप एक जगह पे जा रहे हो और वहां की लैंग्वेज है और फिर आपको अगर अच्छी जॉब ढूंढनी है तो वो प्लस होता है ऑब्वियसली कि आपको लैंग्वेज uh, आती है लेकिन जो मैंने कोर्सेज़ uh, ढूंढे थे वो इंग्लिश में ही थे सारे तो मुझे एप्लीकेशन फॉर्म्स में जर्मन uh, के नीचे इंग्लिश वो ट्रांसलेट जो होता वो मिल जाता था ठीक है तो हाँ वो फिर जितनी यूनिवर्सिटीज़ में मैंने अप्लाई किया था उसमें सब में था और तुम का तो बहुत अच्छा सीन है ये तो इंग्लिश में हर चीज़ दे देते हैं <laughs> ये ये कोर्स वाइज भी लेकिन आगे जो मसला होगा ना थोड़ा वो जॉब सर्च में थोड़े लिमिटेड हो जाते हैं तो एट द एंड यही है कि जब तक आप मास्टर्स कर रहे हो एट द सेम टाइम साथ साथ जर्मन सीखते रहो ताकि जब ग्रेजुएट हो जो एटलीस्ट बी वन लेवल हो कि आप किसी मुंह से ना जाके उन्हें जर्मन कंपनी में इंटरव्यू दे सको कि यार इंट्रोडक्शन करवा लो या कुछ करवा लो तो वो बड़ा फ़ायदा हो जाता है और ये अच्छा है कि यहाँ पे फ्री में आप सीख सकते हो अगर साथ साथ सीख सकते हो हाँ, आपको आपको पे नहीं करना होता आप जो भी के पैसे नहीं होते नो नो यहाँ पे जो वो वो, वो वहाँ पे लिमिटेड सीट्स होती हैं और आपको बहुत जल्दी जल्दी अप्लाई करना होता है जैसे ही वो फॉर्म खुलता है अभी थोड़ी इन्होंने वो ज़्यादा कर दिए कोर्सेज़ ज़्यादा कर दिए टाइमिंग ज़्यादा कर दिए टीचर्स ज़्यादा कर दिए तो अभी थोड़े ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको जगह मिल जाए तो जैसे ही ओपन होती हैं आप तीन चार जगहों पे मैंने तो मतलब टाइम्स देख के ना उस हिसाब से एक ये वन के कितने सारे वो स्लॉट्स मिलने में होंगे टीचर्स डिफरेंट होंगे बस तो वो, वो फिर वो, आप अप्लाई कर सकते हो और मैंने भी ऐसे किया था तो वो जगह मिल जाती है मोस्टली म्यूनिक है ना भाई टीयू म्यूनिक है टम एमवी थोड़ी नाम है अभी इन्होंने ये चेंज किया है ज्यादा कोर्सेज वाले में ज्यादा गुड सीन है तो इन शॉर्ट यू कैन सरवाइव इन जर्मनी विदाउट जर्मन लैंग्वेज बट इट्स ऑलवेज गुड टू लर्न जर्मन हां फिर सरवाइव <laughs> मतलब इंटीग्रेट होना होता है हजार और चीजें होती है मजा नहीं रहता आपको जर्मन जर्मन से गप्पे है, कुछ करना है तो जर्मन तो चाहिए होगी वीगे to... में थोड़ा होता है क्योंकि मेरे वीगे में जो इंटरनेशनल है उनको भी जर्मन आती है वियतनाम की लड़की है उसको भी आती है ताजिकस्तान का है उसको भी जर्मन आती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो जब डिस्कशन कर रहे होते हैं ना तो एक मैं ही होती हूँ जिसको इंग्लिश मतलब आती मतलब इंग्लिश आती है जर्मनी आती है फिर मैं जस्ट क्योंकि मैं थोड़ा सीख भी रही हूँ सिर्फ समझने की कोशिश कर रही हूँ कि वो क्या कह रहे हैं लेकिन अच्छे हैं मुझे इंक्लूड करते हैं सही है ठीक है तो वाज़ दी हॉल पॉडकास्ट और uh, सीख लो सीख लो ये मेरा कॉपी कर लिए सीख लो जर्मन फायदे में रहोगे बाकी मेरे द नेक्स्ट पॉडकास्ट हाफिज़ लाइक सब्सक्राइब और डू शेयर